नमस्कार, लोकल वेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कस्टमर और पेशेंट में आखिर क्या फर्क होता है, और इसके साथ ही अब आप लोकल वेज ऐप में पेशेंट्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कस्टमर और पेशेंट के डिफरेंस को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मानिए रमेश नाम का कस्टमर आपकी मेडिकल दुकान पे कुछ पेन किलर्स लेने आया है और वो नया कस्टमर है। तो उसके लिए हम सेल सेक्शन में जाएंगे, एड सेल करेंगे और यहाँ पे देखिए हम कस्टमर का नाम टाइप करेंगे। क्योंकि ये नया कस्टमर है तो हमारे एड नहीं है, तो हम देखिए F2 प्रेस करके क्रिएट न्यू कस्टमर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो कस्टमर है वो इंडिविजुअल है या फिर कोई बिजनेस कस्टमर है, लाइक कोई डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह। इसके बाद आप कस्टमर का नेम फिल करें, उसका मोबाइल नंबर फिल कर दें, कस्टमर का जेंडर सेलेक्ट कर लें, साथ ही उसकी डेट ऑफ बर्थ फिल करें। आप हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग डिस्काउंट भी सेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे 15% कर देते हैं। आप चाहे तो कस्टमर का एड्रेस भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर नेम के अलावा जो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो ऑप्शनल है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कस्टमर की यहाँ फिल करना चाहते हैं। वो सब फिल करने के बाद आप F2 प्रेस करके सेव कर। ठीक है, कस्टमर ऐड करने के बाद आपके पास पेशेंट का भी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अभी रमेश सिर्फ कुछ पेन किलर्स खरीदने आए तो अभी के लिए हम पेशेंट को रहने देते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स रमेश को चाहिए उनको ऐड करके हम ऑल्ट प्लस एस करके इसको सेव कर देते हैं और F2 प्रेस करके कंटिन्यू कर देते हैं। अब रमेश आपकी मेडिकल दुकान पे आता जाता रहता है, तो इस बार वो आपसे अपने फादर के लिए डायबिटीज की टेबलेट्स लेने आए। तो इस केस में हम समझते हैं कि हम पेशेंट को कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले ऐड सेल करेंगे। कस्टमर को हम जानते ही है, उसका नाम है रमेश। रमेश हमने ऐड कर दिया, लेकिन इस बार जो उसे मेडिसिन चाहिए वो अपने फादर के लिए चाहिए और वो भी डायबिटीज के लिए चाहिए। तो इस केस में कई बार मेडिकल दुकानदार कस्टमर से पूछता है कि ये मेडिसिन आपको किसके लिए चाहिए, आखिर उनकी एज क्या है। कस्टमर आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि वो मेडिसिन उसको -- व्यक्ति के लिए चाहिए, उनकी एज ये है। तो आप उस केस में पेशेंट को ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए रमेश को जो मेडिसिन चाहिए वो अपने फादर के लिए चाहिए। तो देखिए कस्टमर ऑलरेडी ऐड है, आप यहाँ पे पेशेंट नेम पे आ जाएं। पेशेंट नेम पे देखिए अभी रमेश आ रहा है, तो यहाँ पे हम F2 प्रेस करके एक नया पेशेंट क्रिएट करेंगे। रमेश के फादर का नाम है विवेक। बाकी जो जो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो इन्फॉर्मेशन आप कस्टमर से लेके यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन भी आता है कि जो पेशेंट है उसका कस्टमर के साथ क्या रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो अभी के लिए हम फादर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके साथ साथ देखिए जैसे आपने कस्टमर के लिए अलग डिस्काउंट सेट किया था, वैसे ही आप पेशेंट के लिए भी ना यहाँ पे अलग से डिस्काउंट सेट कर सकते। बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करके आप F2 प्रेस करके सेव कर दें। तो इस तरीके से आप देखिए बड़ी आसानी से पेशेंट्स को भी आप लोकल वेल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनको मेडिसिन चाहिए ग्लाइकोमेट SR 500 mg। और देखिए आपको एक चीज और नजर आ रही होगी, जो रमेश है उसको हमने डिस्काउंट दे रखा है 15%, लेकिन जो उसके पेशेंट्स है उसके लिए हमने जो डिस्काउंट सेट किया था वो 10% सेट किया था। तो देखिए यहाँ पे डिस्काउंट पे ऑटोमेटिकली देखिए जो पेशेंट को डिस्काउंट दिया है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट एड हो गया है, ऑल टेस्ट कर सेव करें, F2 प्रेस करके कंटिन्यू करें। तो इस वीडियो में हमने समझा कि देखिए कस्टमर और पेशेंट में आखिर क्या फर्क होता है, और इसके साथ साथ ही अब आप लोकल वेल ऐप में पेशेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन्हें पहले की तुलना में बेहतर ट्रैक कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। लोकल वेल यूट्यूब चैनल को याद से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें, और लोकल वेल से जुड़ी अगर कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो डायरेक्टली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।